ये जेवर कुछ हल्का सा ही लग रहा है मुझे। हीरा ले जाके ना पता लगाना पड़ेगा ज्वेलर से कि कितने कैरेट का है, पता नहीं कैसा है, क्वालिटी कैसी है इसकी। देखते हैं ये लड़की कहाँ चली जाती है। अरे अंबर मीना लापरवाह हो गई है, मैसेज कर देती हूँ, खुद ही फोन कर लेगी मुझे। जिसकी कैकों की, हंसी की, खुशी की आवाज पूरे घर में गूंजती थी, अब बिल्कुल खामोशी है। आंटी बता रही थी कि निशा आई हुई थी, बहुत खुश थी। तुम भी तो यही चाहते हो कि वो हमेशा अपने घर में हंसती मुस्कुराती रहे। खैर ये बताओ कि तस्वीरें कैसी लगी? ओ हाँ यार, इतनी हसीन पिक्चर्स आई हैं और उन दोनों का कपल कितना प्रिटी है माशाल्लाह। बस ऐसे ही खुश रहे वो हमेशा। और तुम्हें पता है, मैंने तो आंटी को एक फरमाइश भी कर दी है। क्या फरमाइश? मैंने उनसे कहा है कि जैसा निशा का ड्रेस था ना, बिल्कुल वैसा ड्रेस मुझे मेरी शादी पर भी चाहिए। अरे वाह, ये तो अम्मी को बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि पता ही अम्मी की चॉइस थी। हाँ बताया था उन्होंने, अब मेरे सारे ड्रेसेस वही चूज करेंगे। शादी होके घर चले गए, फिर भी मेरी फिक्र है कि खाना वक्त पे खा लीजिएगा। खाना खाइएगा, बहुत सारा आराम कर लीजिएगा, शाम को मोहल्ले में चली जाइएगा, मोहल्ले की आंटियों से मिल मशीन। Thank you.
तो इतने क्लाइंट्स आए हैं, क्लाइंट्स पे क्लाइंट्स, इतनी सर्विसेज दी हैं, मतलब माशाल्लाह आज बहुत अच्छा काम हो गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नेहा तो बड़ी थक गई होगी इतना काम कर करके, है ना? नहीं मैम, भाभी के पास तो भी पहला क्लाइंट क्या है। पहला क्लाइंट तो इतनी देर से क्या कर रही थी वो? वो मेरे ख्याल से आसिम भाई की कॉल आई हुई थी, वो उनसे बात कर रही थी। आसिम से इतनी देर बात कर रही थी? आसिम के पास इतना फारिक वक्त है? पता नहीं मैम, शायद आसिम भाई का फोन तो बंद हो गया था, फिर उनकी अम्मी का फोन आ गया तो अपनी अम्मी से घंटों बात कर रही थी, वो काफी खुश नजर आ रही थी। फिर उसके बाद उनका भी फोन बंद हुआ तो वो हमारे पास आ गई, हमसे बातें करने लग गई। तो मैं तो सुबह से काम कर रही थी तो मैं तो बहुत खुश थी आज, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा काम। अम्मी वो अम्मी का घर तो पीछे रह गया है। हम घर सीधा जाएंगे। मगर आपने तो कहा था कि वापसी पे जाएंगे अम्मी की तरफ। मैंने तो बहुत कुछ कहा था, जो कुछ मैंने कहा था उसमें से कुछ हुआ नहीं ना? तुमने तो इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की अपनी माँ से पार्लर में, क्या वहाँ जाने की जरूरत क्या है तुम्हें? मम्मी क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तफसील से मैंने तुम्हें समझाया था कि क्या हो रहा है पार्लर में, नीलम क्या कर रही है, लेकिन फिर भी वहां जाके तुमने कोई मेहनत ही नहीं की, फोन पे ही लगी रही। अम्मी मैं तो बस हाँ, तुमने कहा उसे सुन लिया और सब कुछ ठीक हो गया है ना? कैसी बातें कर रही हो तुमने? हाँ दुनिया देखी है तुमने, इतनी भोली भाली थोड़ी हो तुम। देखो अगर वो क्लाइंट्स तोड़ देगी ना तो फिर हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, कैसे चलेगा ये सारा सिलसिला? मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ क्योंकि तुम्हें तो सालों का काम पता है, तुम जानती हो ये बिजनेस कैसे चलता है, फिर भी पता नहीं बस तुम अम्मी 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 करती रहती हो। सॉरी अम्मी, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। आइंदा की आइंदा ही देखी जाएगी। साथ ये क्या, 7 बज चुके हैं, बार बार निशा कॉल कर रही है मुझे क्योंकि तुम उसका फोन रिसीव नहीं कर रहे। शुक्र करो कि उसने अपने भाई को कॉल नहीं कर दिया कि मुझे आके पिक कर ले। कमॉन मामा, ये क्या बातें कर रही हैं आप? मुझ पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उसके भाई पर रहने दे। साथ तुम्हारा उससे निकाह हो चुका है, बीवी है वो तुम्हारी, जिम्मेदारी है वो तुम्हारी। देखो आज तो ये सब कुछ हो गया लेकिन आइंदा वो जहाँ भी जाए, आइंदा की आइंदा देखी जाएगी। ये मुसीबत मेरे सर पर डाल दी आपने और इसे कर रहा हूँ ना उसके लिए, बहुत है, too much for me। सब क्या हो गया बेटा तुम्हें, इतनी प्यारी दुल्हन तो है तुम्हारी, सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे उसकी, पता है तुम्हें? हाँ हर कोई तारीफ तो करेगा, आपकी जो चॉइस है, लेकिन उसके अच्छे या बुरे होने से मुझे साद अहमद को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ साद, शादी से पहले लड़के लापरवाह होते हैं, उन पर कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, लेकिन शादी के बाद वो जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, घर को बिजनेस को। क्या हो गया मामा, आप अच्छी तरह जानती है ना मुझे ना इस घर में कोई इंटरेस्ट है ना ही बिजनेस में, मैं अपनी जिंदगी को अपने स्टाइल में जीता। तो फिर तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें दोस्तों के साथ यूरोप जाना है ना? हाँ जाऊंगा मैं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें मैं नहीं रोक सकती, मैं जानती हूँ, बल्कि तुम्हारा जाना बहुत अच्छे से अरेंज भी कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखो इतनी प्यारी बीवी मिली है ना तुम्हें, तुम उसके साथ अच्छे से जिंदगी गुजारोगे ना बेटा? अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने से पहले हमें होटल पहुंचना होगा। मैं भी तैयार होती हूँ, बहुत कम टाइम रह गया है, और प्लीज निशा को फोन करके कह दो कि हम आधे घंटे में उसे पिक करने आ रहे हैं, कह दोगे? You are right. Hello Bambi, come here, my good boy, sit down. टाइम इतना कम रह गया, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं। Come. भाई बगैर ससुराल वाले इतने लालची होंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। शादी से 2 दिन पहले ऐसी डिमांड्स। जैसे तैसे करके गाड़ी तो बुक करवा दी, अपार्टमेंट का वादा कर लिया, मगर करेंगे कैसे? हयान ने जायदाद नहीं, बहन की सारी जिंदगी की खुशियां गिरवी रखकर कीमत वसूल कर ली है।
ये उदासी आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ? मेरे हाथ जो सोने की चिड़िया लगी है उसको छोड़ दें आप। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि फायज कुछ दिनों में हरीम को तलाक दे। कपड़े धो के जब सुखाती हो तो फौरन इस्त्री भी कर दिया करो, काम चोर होती जा रही हो तो। ख्याल रखा करो ना रानी, मुझे अच्छा नहीं लगता ना जब मामा तुम्हें डांटती है। सॉरी सुमल बाजी, बस आप ना बीबी जी को। अस्सलाम वालेकुम मामा। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मामा। आज मेरा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, क्योंकि तुमने मेहनत इतनी की है बेटा। और ऐसे अच्छे अच्छे पेपर्स देती रहोगी ना तो तुम्हारा जीपीए बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी दुआ देने के लिए। मामा अंबर नहीं आई? हाँ आ रही होगी, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। रास्ते में बेटा, तुम एक काम करो, खाना लगवा दो। तुम थक गई होगी, अपने कमरे में जाओ, खाना उधर ही भेज देंगे तुम्हें। हाँ मैं आती हूँ। ओके मामा, मैं खाना देखती हूँ। अंबर तुम एक रात का कह के गई थी और अभी तक वापस नहीं पहुंची, क्या कर रही हो? जल्दी घर पहुंचो वापस, मैंने तुम्हारे भाई को बताया नहीं कि तुम गई हुई हो। कल तक बकवास मत करो, मैंने ये बात छुपाई है तुम्हारे भाई से कि तुम दोस्तों के साथ फार्म हाउस गई हो। उसे अगर पता चल गया ना तो वो कितना खफा होगा हमसे, कभी भरोसा नहीं करेगा दोबारा। बस अब और बहाने नहीं चलेंगे, फौरन घर वापस पहुंचो तुम। मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती है ये लड़की, तौबा। तो क्या आंटी वैसी ही है जैसे नीलम ने बताया था? ये मीठे लड्डू ना सिर्फ आपको खिलाए जा सकते हैं, मुझे नहीं। इस सैलून की सारी लड़कियां हमेशा से लोकल प्रोडक्ट्स यूज करती आई हैं और वो अभी तक कर रही हैं। आपके आने से यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। नहीं, अम्मी ने मुझे बताया था कि भाभी आपको यहाँ आए हुए जुमा जुमा 8 दिन हुए और मैं यहाँ पिछले 4 साल से मैडम के साथ काम कर रही हूँ। शायद सुमुल भी जानती थी कि अंबर फार्म हाउस गई है। इसका मतलब इस घर में आसिम से हर बात छुपाई जाती है। नहीं, जब तक आसिम नहीं आते मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेहा, मैं तुम्हारी पड़ोसी फरी आंटी बात कर रही हूँ। फरी आंटी, आप कैसी हैं? सब खैरियत है ना? नहीं, बिल्कुल खैरियत नहीं है। बहुत बुरा हो गया बेटा, बहुत बुरा। तुम्हारी अम्मी अल्लाह को प्यारी होगी। अम्मी क्या है सब? क्या हो गया? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ आपकी अम्मी को? क्या भाभी? नेहा भाभी संभाले अपने। भाभी पानी लेके आओ, जल्दी से पानी निकल। क्या हो गया? क्या हो गया है नेहा? Thank you.
अम्मी को ले गया, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना, वो मेरी अम्मी को ले गई है, मुझे मुझे अपनी अम्मी को देखना था। नेहा नेहा बेटा, ऐसे रोती रहोगी तो बीमार हो जाओगी, हौसला करो, हिम्मत करो। मेरी मेरी अम्मी को कुछ भी नहीं था, लेकिन लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि मुझसे मिलने आना, और इन्होंने मुझे कहा था मुझसे मिलने आना। अम्मी अम्मी आप मुझे ले आती शाम को, मैंने आपको कहा था मुझे मेरी अम्मी से ले आती, मुझे मेरी अम्मी से माफी मांगनी है। अरे तुम्हारी माँ तो तुमसे बड़ी खुश थी बेटा, किस बात की माफी मांगनी थी तुमने? मुझे उन्होंने कहा था मुझे मिलने आना, वो मेरा इंतजार कर रही थी, मैं नहीं आई। आप संभालें अपने आप को प्लीज। ये पानी पी, भाभी थोड़ा सा पानी पी ले, भाभी पानी पी। शायद तुम्हारी किस्मत में मिलना नहीं था ना, अब मैं क्या करती। अरे इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि पूरा दिन तुमने उनके साथ गुजारा, उनसे बातचीत की, उनकी खिदमत की, अब हौसला करो बेटा। अम्मी प्लीज ना, मेरी अम्मी को चली गई। हिम्मत रखे, हौसला करें, मौत तो अटल है, सपने जाना है। आसिम आसिम नहीं है, सुमल आसिम नहीं है, आसिम को आना चाहिए था ना, मुझे उसकी जरूरत है, आसिम को आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए? भाई आ रहे, भाई आ रहे, मैं आपकी बात करवाती हूँ भाई। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, बोलो। जी बस मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या मतलब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हो, कराची आ रहे हो तुम? जी मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है, मैयत चली गई है, वो दफनाने ले गए हैं, तुम आके क्या करोगे? जो भी है मम्मी, मेरा नेहा के पास वहाँ होना बहुत जरूरी है इस वक्त। बेटा नेहा की तसल्ली के लिए हम सब उसके साथ, अकेली थोड़ी है। अरे तुम्हें इतने अरसे बाद ना ये मौका मिला है कि तुम्हारी प्रमोशन हो जाए, इसको मत खराब करो, वहीं रुको। अम्मी इस प्रमोशन से बहुत जरूरी इस वक्त मेरा नेहा के पास होना है, तो प्लीज मुझे आने दे, प्लीज प्लीज। मैंने कहा है ना तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं, बस बहस मत करो मुझसे, खुदा हाफिज। अम्मी सुंबुल क्या हुआ? क्या मुसीबत, शायद इसने पूरी बात सुन ली है मेरी, अब क्या करूंगी? क्या कर रही है, कितना मजबूर हूं मैं, तेरे पैरों में जंजीर डाल दी, कितने कड़े वक्त से गुजर रहा हूं, और मुझसे ज्यादा नेहा, उस पर ये वक्त पहाड़ बनकर गुजर रहा होगा, क्यों नहीं समझ रही है?